हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, गुड। सो यू आर अ वार्म ए वेलकम इन द न्यू सेशन और इन द न्यू क्लास, दैट इज इन क्लास 8। सो यू हैव कम फ्रॉम क्लास 7 आफ्टर पासिंग द एनुअल एग्जाम 2020, राइट ना? सो यू ऑल आर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेशन। सो इन दिस होल सेशन जस्ट आई टीच यू साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो टूडे आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो विल सी अबाउट व्हाट इज मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मटेरियल? तो मटेरियल सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट डू मीन बाय मटेरियल। सो मटेरियल दैट मींस द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या है? वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड मटेरियल। अब जैसे ये भी अगर बात करें कि व्हाट इज दिस, दिस इज मटेरियल, ये भी कोई ना कोई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो क्या है? मटेरियल्स। तो वो पार्टिकल्स या तो मेटल्स है या तो नॉन मेटल्स है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल सर, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन मेटल सर? तो मेटल का डेफिनेशन है द मटेरियल कंटेनिंग द मेटल, मेटल मेटल। सो द मटेरियल, द मटेरियल हैविंग द प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी ए थर्मल एक्टिविटी ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, also have the property of hardness, sonorous etc. is known as metal. clear? And agar mai baat karu, example of metal is iron, gold, copper, aluminium, etc., silver, etc. So these all materials are known as metal. ये सारे materials क्या है? Metals हैं. अब इसके opposite अगर बात करें, इसका opposite अगर मैं बात करूं नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल का क्या आप लिखेंगे? सो द मटेरियल हैविंग नो हार्डनेस, नो मैलिएबिलिटी no ductility,
no ductility, bad conductor of heat and temperature, etc. is known as non-metal. Is known as non-metal. अब non-metal में क्या है कि वो material hard नहीं होता, malleability नहीं होता उसमें, ductility नहीं होता उसमें, bad conductor होता है heat का, temperature का, इस तरह से जितने भी सोनरस नहीं होते, जितने भी quantities हैं, तो वो सब क्या है, non-metals हैं। अब example इसका हम लोग देखें, example हम लोग ले लें सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ईटीसी। तो ये सारे जितने भी है, जितने भी मटेरियल्स हैं, दीज आर द नॉन मेटल्स। क्लियर? सो नोट करें, नोट कर लिए, गुड। सो नाउ ओके, सो मटेरियल्स का जितने भी चीजें हैं, या तो वो मेटल्स हैं या तो वो नॉन मेटल्स हैं। अंडरस्टूड? या तो वो मेटल्स हैं या तो वो नॉन मेटल्स हैं। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मटेरियल्स का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेटल। सो मेटल हैविंग टू प्रॉपर्टीज, metals having two properties, जो metals हैं उनके दो properties होते हैं। First property क्या है? physical property and second is chemical property। तो इस तरह से जितने भी मेटल्स हैं, हम लोग अभी पहले बात करने जा रहे हैं मेटल्स का। सो ऑल द मेटल्स हैविंग टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ जस्ट आई एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल नोट कर लिए, ओके। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नोट करने के लिए वीडियोज को पॉज करें और पॉज करके उसको नोट करें, ओके। नाउ अब मैं देखने जा रहा हूं कि जो मेटल्स है उसका क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। सो मेक योर हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल समझ में आ रहा है? मेटल क्या है अब समझ में आने लगा? तो मेटल क्या होता है? हार्ड होता है। और क्या होता है मेटल? मैलिएबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, डक्टिलिटी होता है। तो सारे उसमें जो है गुण पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर कुछ डायग्राम का, तो यहां पे मैं लिखूं मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, हार्ड, हार्डनेस, सोनोरस, फिर मैं बात करूं तो
conductor of heat and temperature conductor of heat and temperature conductor of electricity ये सारे गुण ये सारे नेचर जिसमें पाया जाएगा वो सारा वो क्या हो जाएगा मेटल्स क्या कहलाएगा मेटल्स कहलाएगा ठीक है। मेटल्स में क्या होता है मैलेबिलिटी होता है डक्टिलिटी हार्डनेस सोनरस कंडक्टर ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स दिस ऑल थिंग इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दिस ऑल थिंग्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्लियर है। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा नोट करें इसको इसको नोट करें कर लिए नोट कर लिए ओके। तो फर्स्ट जो हमने पॉइंट लिया है वो है मैलिएबिलिटी फर्स्ट पॉइंट हमने लिया मैलिएबिलिटी व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी के बारे में हम लोग लिखेंगे मैलिएबिलिटी के बारे में हम लोग लिखेंगे कि द प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी के बारे में हम लोग लिखेंगे इसको मैं मिटा देता हूं मिटा दूं ओके। चलो मैं यहां पे लिखूंगा मैलिएबिलिटी के बारे में मैं यहां पे लिखूंगा क्या है मैलिएबिलिटी मैलिएबिलिटी सो मैलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स द प्रॉपर्टी of metals the property of metals by which they can be beaten by which they can be beaten into thin sheet is called malleability। अब जैसे क्या बोला कि the property of metals by which they can be beaten into thin सीट जब उसको बीट करें तो कैसा बन जाए थीन सीट की तरह बन जाए कैसा बन जाए एक थीन सीट की तरह बन जाए। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा इसको नोट करें ओके। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा उसको समझना है मैलिएबिलिटी क्या होता है ठीक है मैलिएबिलिटी क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं एक है कोल चलो एक है गोल्ड क्या है ये गोल्ड है और दूसरा है कोल क्या है कोल है चलो कोई पत्थर है ठीक है ये गोल्ड है ये कोल है और इस पे जब हम एक हथौड़े से जब हम इस पे एक हथौड़े से इस पे जब एक हथौड़े से इसे मारेंगे ये गोल्ड कैसा हो जाएगा इसे मारते जाएंगे या थोड़े से इस गोल्ड पे मारते जाएंगे तो ये गोल्ड कैसा बन जाएगा तो ये गोल्ड एक सीट की तरह बन जाएगा बनेगा ना सीट की तरह बनेगा चादर की तरह बन जाएगा। लेकिन इसी गोल्ड पे अगर मैं एक हथौड़ा से मारूं ऐसे हथौड़ा से अगर मैं इस पे मारूं तो क्या हो जाएगा तो ये जो है कोल वो चारों तरफ क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा चारों तरफ थितरा जाएगा वो कोई सीट नहीं बनेगा। इससे यह पता चलता है कि गोल्ड क्या है मैलिएबिलिटी है गोल्ड क्या है मैलिएबिलिटी है और जब गोल्ड मैलिएबिलिटी है तो ये क्या है
मेटल है और इसमें मैल्युबिलिटी नहीं है, मतलब ये नॉन मेटल है। अब इसी तरह से हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम को रखे और उसको जब मारे तो उसको भी क्या बनाया जा सके, चादर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। अगर उसी तरह से अगर मैं बात करूं सिल्वर का तो उसको बनाया जा सकता है कि नहीं चादर, तो उस सिल्वर पे भी अगर हम मारेंगे तो उस पे मारेंगे क्या हो जाएगा, वो एक सीट की तरह बन जाएगा। लेट अस सपोज वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिलिटी कि उस सीट के वजह से उस आयरन को, अगर यहां पर बोल दिया आयरन भी रखे तो क्या हो जाएगा, आयरन एक चादर की तरह वो फैल जाएगा। तो उसके वजह से हम लोग जो बनाते हैं, तो ये जो हम लोग फर्स्ट में ये देख रहे हैं, जो क्या देख रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज टीस्पून, चम्मच है। तो इस चम्मच को बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्टील लगा होगा, स्टील लगा होगा ना, आयरन लगा होगा ना, तो वो आयरन को पीट पीट करके, इस आयरन को पीट पीट करके कैसे बना दिया गया, एक चम्मच की तरह बना दिएगा। इसी तरह से उसी आयरन को पीट पीट करके इसको क्या बना दिया गया, अच्छा इसको छोलनी बोलते हैं, वट एवर यू से, तो इस आयरन को पीट पीट करके अपने जरूरत के अनुसार हम लोग इस शेप में बना दिए। उसी तरह से हम लोग आयरन को पीट पीट करके इसको क्या बना दिए, देखो इसको पीट पीट करके ऐसा बना दिए। अगर ये मेटल्स नहीं होता तो हम लोग इस टाइप का शेप को बना नहीं सकते। इसी आयरन को अगर हम लोग पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी फॉर्म्ड लाइक दिस वन, क्लियर है ना। तो ये चादर की तरह है, एक सीट की तरह, ही ट्रीट होता है। इसी तरह से हम लोग अपने जरूरत के अनुसार उस चीज को बनाते हैं। लेट अस सपोज कि अगर ये कोल है, दिख रहा है, अगर हम लोग इस पे हैमर करेंगे, इस पे जब वार करेंगे तो क्या ये सीट बनेगा, नो, ये सीट नहीं बन सकता। ये क्या हो जाएगा, चारों तरफ बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी जो नेचर है, यही नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैल्युएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मैल्युएबिलिटी। सो इसको नोट करें, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज डक्टिलिटी, बट नोट कर लिए, ओके। सो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डक्टिलिटी, बट डक्टिलिटी, हाँ, what do you mean by ductility? So ductility, that means the property of metal by which the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. That means the metal by which we can make a wire, and how it can be produce, so it can be produced by hammering again, by eating on it again and again, then it will become ductility. Understood? तो अगर किसी भी मेटल में अगर ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग उसको बीट करके उसको एक वायर की तरह बना दे तो क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। दैट मीन्स वो मेटल है, क्योंकि हम लोग उसमें डक्टिलिटी का जो नेचर है, गुण है, उसमें हम लोग पा रहे हैं, देख रहे हैं। That means कि if we are having a wire, this is a wire. So how is it formed? So it is formed by beating copper. This is a wire of copper. So this is a wire of copper. Whatever you have, silver, iron, whatever, but this is a wire of copper. How is it formed? So it is formed after beating a copper. If you have a bundle of copper like this, this is copper. If you have a bundle of copper like this,
एंड इफ यू आर बीटिंग एंड स्ट्रेचिंग, जब इसको पीट रहे स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे तो कैसा हो जा रहा है, एक वायर की तरह हो जा रहा है, जो हमने यहां पे अभी दिखाया था कि हमारे पास एक वायर, ये वायर, और ये वायर कैसे बना, तो ये वायर इसको खींचने से, इस कॉपर को खींचने से बना है, इसको बीट करने से बना है, और ये वायर जब बीट करने से ऐसा बना तो इसमें क्या है, दैट मींस इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, दैट मींस इट इज अ मेटल, अंडरस्टूड, दिस इज अ मेटल। सो नाउ नोटिस, नेक्स्ट वन इज गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। सो कंडक्टर दैट मींस कंडक्ट, क्लियर, टू पास, टू ऑब्जर्व, कंडक्टर दैट मींस टू कंडक्ट, टू पास, टू ऑब्जर्व, टू गेन, इट इज टू पास, टू ऑब्जर्व, टू गेन, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पासिंग ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्विंग हीट, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। सो गुड कंडक्टर, तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल्स में जितने भी मेटल्स हमारे पास है उसमें क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास करते हैं। इफ यू आर हीटिंग दिस वन, इफ इट इज मेटल, इफ यू आर हीटिंग दिस वन, देन इफ यू आर हीटिंग दिस वन हियर, देन इट विल गेन हीट and this will come up to here, here, here and up to here. That means it is passing, it is gaining heat, that's why just you are feeling hot. Understood? So this is good conductor. So good conductor, that means to pass, to absorb, to gain what? Heat as well as electricity. Heat as well as electricity. This is known as good conductor. So, अगर ये मैं बात करूं ये प्लास्टिक का, तो क्या इस प्लास्टिक में हीट पास होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट हैज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, इट इज इट हैज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, दैट्स वाई it cannot be a good conductor, understood, so it is a non metal, clear। ab main ek aur example deta hu, conductor jaise pass karta hai, kaise pass kar raha hai, do you have frying pan, na frying pan, yes frying pan, just I am making frying pan, okay, this one is frying pan, there is handle, frying pan, this is frying pan, if you are giving heat, तो जब हम लोग इसमें हीट देते हैं तो क्या होता है, ये गर्म होता है, अब ये गर्म होकर के धीरे 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 गर्म यहां पर होता है, बट यहां पे एक ब्लैक कलर का क्या लगा हुआ है, एक कवर लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, सो दैट कि हम अगर इसको पकड़े तो ये मेरे हाथ को न जला पाए, दैट मींस हीट विल स्टॉप अप टू दिस एंड एंड इट विल नॉट पास इन योर हैंड, दैट मींस हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हियर टू हियर आफ्टर setting the non-metal material in the handle, heat will resist in that point. Understood? So like that, if you are hitting this knife, so why it is of plastic or non-metal? Because if you are hitting this,
हिट विल नॉट पास फ्रॉम हियर टू हियर, इट विल स्टॉप हियर एंड देन योर हैंड विल बी सेफ, फुल्ली सेफ, योर हैंड विल नॉट बी हर्ट, जलेगा नहीं. क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक थिंग हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ मेटेरियल्स वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल. नेक्स्ट वन इज सोनोरस. और नेक्स्ट पॉइंट इज सोनोरस. व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस? सो सोनोरस मीन्स टू प्रोड्यूस साउंड. टू प्रोड्यूस साउंड दैट मीन्स व्हेन it is beaten by a hard substance, then it produces ringing. Then it produces ringing sound. That means if it is metal, so after hammering on it, it is producing sound. That means it is a metal. Clear? Hai? So this is the property of metal by which we can identify the given materials. Note kare. ओके. सो some important points related to this one, just I am writing here. The materials like coal and sulfur are soft and dull into appearance and dull into appearance. So they break down. So they break down into powdery mass on tapping with hammer. So they are not sonorous. So they are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals.
are called non-metals. Example, sulfur, carbon, oxygen, etc. Oxygen, etc. Phosphorus also, so note it, okay. So some important point related to this that you have to know here. So note number one, just wait. So note number one, metals like sodium, potassium and potassium are soft and can be cut with a knife. That means sodium and potassium, these two metals, exception one here, sodium and potassium, these two metals are so soft so that it can be cut with a knife. Just I am showing you with an example. Just I have a sample of sodium. This is sodium, and this can be cut with a knife like this. Cut na? Just it can be cut with a knife. So like potassium, it can also be cut. Note number two, just you note down on your copy. Note number two. The only mercury is a metal that is found in liquid state at room temperature so only mercury is a metal that can be found in liquid state at room temperature. Other metals are hard, solidus, malleability, good conductor, but this is liquid. Other than this, all are solid, but this is liquid. Mercury is only liquid metal. So exception, mercury is only liquid metals. So this is all about the physical property of metal. So in the next class, we will discuss the chemical properties of metal. So let us just you make your notes and then prepare yourself. All the very best.